बनी में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो फिर बनी की खूबसूरती को प्रदूषित किए जाने के मामले पर क्यों वो चंद लोग खामोश हैं जो बनी के विकास की दवाई देते हैं। सेवा नदी पर स्थापित स्टोन क्रशर से निकलता वेस्टेज मटेरियल दिन ब दिन सेवा नदी को प्रदूषित कर रहा है। सेवा नदी को प्रदूषित देख कर तो यही लगता है कि विकास की देने वाले इन चंद लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। मामला चाहे वे सेवा नदी की सफाई का हो या फिर बनी की स्वच्छता का, तो चलिए आपको बताते हैं कि दर्जनों शिकायतों के बाद सेवा नदी पर स्थापित क्रशर के आसपास का दौरा किया तो वहां देखा गया कि स्टोन क्रशर से निकलती सारी गंदगी सेवा नदी को गंदा कर रही है। प्रदूषित हो रही सेवा नदी जैसे रो रो कर पुकार रही है कि आखिर मुझे क्यों गंदा किया जा रहा है। अगर हम सब इंसानों की हवा को प्रदूषित किया जाए तो एक समय के लिए सोचें कि हमें सांस लेने में कितनी परेशानी होगी। तो भला फिर जब हर दिन सेवा नदी को प्रदूषित किया जा रहा है तो उन बेकसूर बेजुबान जल की रानी कहने वाली मछलियों को किस तरह की परेशानी होती होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ। फिशरी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया था, न जाने फिर क्यों नहीं उसका संज्ञान लिया गया। तो वहीं खनन विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि स्टोन क्रशर बनी के विकास के लिए उसको परमिशन दी गई है। सूत्रों की माने तो रात के अंधेरे में दर्जनों ऐसे वाहन निकलते हैं और क्रैश किया गया हुआ मटेरियल कहां जाता है जिसका कोई अता पता नहीं होता। विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि स्टोन क्रशर 500 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है, चाहे वो सड़क हो या दरिया या फिर कोई पुल, को देखकर नहीं लगता है कि वे 500 मीटर की दूरी पर स्थापित है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है दरिया के बीचों बीच नजर आ रहे बड़े बड़े खड्डे, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के अंधेरे में फायदा उठाकर नदी के बीचों बीच से माइनिंग की जाती है। बनी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पानी गंदा हो रहा है और सेवा नदी में जितना भी गंद पड़ रहा है, ये जहाँ जितना भी क्रशर की गंदगी, क्रशर का गंदा पानी, मिट्टी वाला सारा पूरा पानी, आपने बाखूबी देख लिया, पूरा नदी को गंदा कर रहा है और इससे और इसकी वजह से ही काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। और मैं ज़्यादा ना बोलूँगा क्योंकि परसों हाल ही मैंने इन्होंने अलीगल माइनिंग करते वक्त मैंने इनको दो बार पकड़ा है। संद्रोन से गाड़ियाँ भर के, टिप्पर भर के लाते हैं, एक बार फॉरेस्ट के हैंडओवर हमने गाड़ियाँ करवाई थी इधर फॉरेस्ट वालों के, कल परसों रात को फिर ये एक मशीन, ये रेड वाली और दूसरा एक टिप्पर भी था साथ में, वो भी पकड़ा, वो भी फॉरेस्ट वालों के हैंडओवर किया। पता नहीं अब फॉरेस्ट वालों ने और इनका कोई आपस में तालमेल है या क्या है, मुझे समझ नहीं आती है। तो इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दी हैं और मुझे लगता है कि कहाँ क्रैशर आसो में, ये अपने अमनोता में क्रैशर है चांदल पंचायत में, और माइनिंग जो हो रही है वो संद्रून से उठा के मटेरियल यहाँ ला रहे हैं और यहाँ पे ग्राइंडिंग करके लोगों को बेच रहे हैं। तो मैं तो ये साफ कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी संदेश देना चाहता हूँ कि खासकर संद्रून से माइनिंग ना उठाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ इनका क्रैशर है, जहाँ इनकी अलाटमेंट है, वहीं से उठा लें पत्थर। और दूसरी गंदगी के लिए तो हम इसके लिए दरिया के अंदर इन्होंने होल बनाए हैं, इनके पास मशीन अवेलेबल रहती है और ये दरिया के अंदर से ही माइनिंग उठा के और क्रैशर के ऊपर माल डाल रहे हैं और यहाँ से जितना भी मटेरियल है ये दरिया से उठा रहे हैं और दरिया से ही उठा के ये माइनिंग करके अपना पत्थर तोड़ के और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से मछलियों की मकदार दिन ब दिन खत्म हो रही है, कम हो रही है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आलूदा पानी हो रहा है, इसका क्रशर की डस्ट जो निकल रहा है पानी, उसका वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है, सीधा सेवा नदी के अंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं मछलियों को भी वो नुकसान हो रहा है, क्या समझते हैं? जी जी बिल्कुल, ये जो हमारे यहाँ मछलियाँ हैं सेवा दरिया के अंदर और इतनी तादाद में मछलियाँ होती थी पहले, आजकल तो हम देख रहे हैं कि नदी के अंदर मछलियाँ बहुत कम हो चुकी हैं और यही मुझे लगता है कि जो क्रशर की जो गंदगी जा रही है, जहाँ क्रशर से ये क्रशर के लिए माइनिंग कर रहे हैं, तो इससे मछलियाँ कम हो रही हैं और गंदगी की वजह से मुझे लगता है मछलियाँ कम हो रही हैं। देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट के काम के लिए ये मटेरियल दे रहे हैं, रोड के काम के लिए मुझे कहीं नहीं इन्होंने मटेरियल ना इनका लग रहा है ना आज तक लगाया इन्होंने, ये दो नंबर में मटेरियल यहाँ से फरोख्त कर रहे हैं लोगों को और अपना क्रशर का पैसा पूरा कर रहे हैं और डेवलपमेंट के काम के लिए कुछ नहीं हो रहा है।
लेकिन दो नंबर का धंधा चल रहा है यहाँ पे और इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। तो मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस क्रेशर के ऊपर भी ध्यान रखें और जो अलीगल माइनिंग हो रही है और दूसरी ये गंदगी जो है क्रेशर की पूरे नदी के अंदर जा रही है और पूरा नदी का पानी गंदा हो रहा है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान रखें और आगे इसके ऊपर संज्ञान भी लें ताकि ये गंदगी जो है क्रेशर की वो नदी में ना आता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर जो हैं, यहाँ पर स्कूटरी वाला, मोटरसाइकिल वाला कहीं भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। तो ये बातें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में सोचनी चाहिए यहाँ पर। तो ये जो क्रेशर वाले जो हैं ना, जो क्रेशर वाले हैं इनसे भी हम मिले नहीं, यहाँ पर गए थे हम मिले नहीं यहाँ पर, तो इनसे ही बात करेंगे ये इसको रोड को बिल्कुल साफ़ करके रखें और अपना गैर कानूनी काम मत करें, कानूनी काम करें जिससे लोगों को नुकसान ना हो, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान हो। अच्छा काम कीजिए, ये नकल एजेंसी जो बंद कीजिए।